तो हेलो गाइज, आज आपको बताने वाला हूँ HDFC बैंक रुपे UPI क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट को कैसे देखें। तो रिवार्ड पॉइंट देखने के लिए सबसे पहले आ जाना हमें अपने क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेना है माई कार्ड्स। माई कार्ड सर्च करके उसको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। इसको लॉगिन करने के बाद आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको गेट OTP पे क्लिक कर देना। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके अपने UPI क्रेडिट कार्ड को ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है क्रेडिट कार्ड, मेरा यहाँ पे दो क्रेडिट कार्ड है, तो पहला जो है UPI मनी बैग है और दूसरा मेरा UPI है जो कि बाद में मिला है। तो सिंपली हमको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है ट्रांजेक्शन लिंक्ड EMI रिवार्ड पॉइंट। तो यहाँ पे मेरा रिवार्ड पॉइंट दिखा रहा है, मुझे सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रिवार्ड पॉइंट 153 है। यदि इसको मैं रिडीम करना चाहूँ तो मुझे इस पर क्लिक करना होगा। रिडीम करने के लिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि क्लेमिंग रिवार्ड पॉइंट इज़ ईजी विद HDFC बैंक वंस कस्टमर्स हैव एकोमोडेटेड 500 पॉइंट दे हैव कैन रिडीम इट फॉर प्रोडक्ट गिफ्ट वाउचर एंड डिस्काउंट। तो यदि मेरा जब तक 500 रिवार्ड पॉइंट नहीं होता तब तक मैं इसे रिडीम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे रिवार्ड पॉइंट अभी तक 500 से कम है, इसलिए मैं इसको रिडीम नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप अपने HDFC बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड के UPI को देख सकते हैं।